देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। दीपावली 5 दिनों का त्योहार है। दीपावली के अगले दिन आता है त्योहार गोवर्धन का। आज गोवर्धन मनाया जाता है गांव में और गाय बैलों की पूजा की जाती है। और इसी उपलक्ष में ईसागढ़ के वार्ड क्रमांक 11 में आज गोवर्धन पूजा के उपलक्ष में गो माता को मुकेश केवट के द्वारा घास और रोटी का वितरण किया गया। उनके मित्रों द्वारा 2 क्विंटल की रोटी और 5 ट्राली घास गाय बैलों को बंटवाई गई। गोवर्धन पूजा पर विशेष दिन रहता है गाय बैलों का। आज के दिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गाय बैलों की पूजा करते हैं और गोवर्धन पर्वत बनाकर उनकी भी पूजा की जाती है। प्रत्येक त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ ईसागढ़ में मनाया जाता है और आज का दिन काफी विशेष उनके लिए रहता है गाय बैलों के लिए। कितने सालों से कर रहे हैं? करीब हम कर रहे हैं 10-15 सालों से। हर दिवाली पर गायों को रोटी और घास खिलाते हैं सब। आप मित्र मंडल? सब मित्र मंडल। आपका नाम? मेरा नाम कमल जी केवट है, प्रखंड सहायक मंत्री हूँ ईसागढ़ का जी। और यहाँ पे 10-15 साल से हर वर्ष गायों को चारा और रोटी। आपके कितने कार्यकर्ता हैं? वैसे प्रति वर्ष दीपावली के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष मुकेश केवट ईसागढ़ से प्रति वर्ष घास लाते हैं। मुकेश केवट है? हाँ, मुकेश केवट है हमारे। आप कहाँ से लाते हैं घास? हर साल लाते हैं। बड़े मित्रों का सबका सहयोग है, हर वर्ष करते हैं और यही भगवान से साथ देते हैं। हर साल केस का हर वर्ष ऐसे ही करता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।